हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बात करते हैं कि अगर हम लुम्योन के अंदर 3D मॉडल को इंपोर्ट करना हो, उसको टेक्सचर लगाना हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, और उसको उसके बाद उस मॉडल को इंपोर्ट करके वीडियो में कन्वर्ट कैसे पॉसिबिलिटी है। मेरे पास एक FPS फाइल पड़ी हुई है tower.fbx की। बेसिकली लुम्योन के अंदर .fbx और .3dx इंपोर्टेबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लुम्योन। ये वो सेम इशू जो लास्ट में डिस्कस किया था, अगर आप पास लुमियन 10 यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा कि क्रैक को अगेन एंड अगेन पेस्ट करना पड़ेगा। ट्रायल और लेट्स वर्क विद न्यू एनवायरनमेंट, और हम प्लेन पे काम करते हैं ऐसे। ओके, फाइनली हमारा लुमियन ओपन हो गया। बहुत काफ़ी टाइम लगा लेकिन चलें ओपन हो गया। ओके, हम इंपोर्ट पे वो कहाँ बात करते हैं। ये इंपोर्ट बटन नज़र आ रहा है आपके सामने, कि इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी कि आप फाइल को इंपोर्ट करें। तो डेस्कटॉप पे मेरे फाइल पड़ी हुई है .fbx, इस पर क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये मुझसे पूछेगा कि क्या हमने इसकी एनिमेशन को इंपोर्ट करना है या नहीं करना। अगर आपका ऐसा मॉडल जिसके अंदर एनिमेट किया हुआ है तो वो एनिमेशन साथ इंपोर्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वो हम अभी ऑफ रखते हैं क्योंकि मेरे पास स्टैटिक है। मैं टावर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ तो मैं tower01 नाम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सेम नाम की दो फाइलें इंपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, तो ये फाइल इंपोर्ट कर रहा है। ओके, ये टावर आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं जो हमने टावर में इंपोर्ट करना है, और ये भी वर्किंग कर रहा है ना कुछ। ओके, भैया हमसे पूछेगा कि हमने प्लेस कहाँ पे करना है, तो हम किसी भी जगह प्लेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, एक प्लेस कर लिया। अब अगर दोबारा प्लेस करना तो दोबारा प्लेस कर लेंगे, हम दोबारा सेलेक्ट पे आ जाते हैं, तो हमने प्लेस एक बार करना है। ठीक है, तो इस तरह नंबर वन काम कि हमने कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब एक और चीज़ भी है, जो आप मॉडल इंपोर्ट कर चुके होंगे वो ऑलरेडी आपके पास पड़े होंगे। मतलब तो अगर मैं इम्पोर्टेड मॉडल्स पर क्लिक करता हूँ तो ये वो मॉडल्स होंगे जो मैं ऑलरेडी इम्पोर्ट कर चुका हूँ अपने लुमियन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले टावर ये इम्पोर्ट किया था, ये उसके फ्रेम है। ठीक है, ये टर्मिनल है। ठीक है, तो ये लो एक होम का बिल्डिंग है इंपोर्ट। तो बहरहाल जो भी आप इंपोर्ट कर करेंगे वो चाहिए फाइल पड़ी होंगी, अगर आप उसको रीयूज चाहते हैं यूज़ करना दोबारा किसी और अंदर तो वो पॉसिबल है। तो अब हम मूव पे आते हैं। मूव टूल वैसे ही है कि हम राइट क्लिक से मूव किया और एक्शन।
ओके, हम स्टार्ट अंदर से करते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं इनको मटेरियल, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर आप मॉडलिंग खुद चाह रहे हैं, खुद करते हैं माया के अंदर, तो आप सबको सेपरेट मटेरियल साइन करें। जिस तरह अभी इस मॉडल के अंदर क्या हुआ हुआ है कि सबको सेम मटेरियल साइन किया हुआ है। मतलब जहाँ अगर आप स्टार्ट से मॉडल बनाते हैं तो लैम्पर्ड बाय डिफॉल्ट मॉडल साइन हुआ होता है। मतलब अगर आप उसको असाइन न्यू मटेरियल नहीं करते तो वो लैम्पर्ड ही चलता रहता है। तो अगर आपने हर किसी को सेपरेट मटेरियल साइन करना, मैं इस वाल को सेपरेट चाहता हूँ, वो कलर करना, इसको सेपरेट, इनको सेपरेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट सेपरेट कलर्स करने पड़ेंगे। मतलब मटेरियल सेपरेट साइन हो। ओके, अब ये कर लिया हमने। अब हम इन टूल पे कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं इन टूल्स के ऊपर। अब हम इसके ऊपर सेकंड टूल है मटेरियल का, उस पर क्लिक करते हैं कि हमें मटेरियल साइन करना है। अच्छा, अब मटेरियल एक और चीज़ है जो ऑलरेडी बिल्ट इन मॉडल्स हैं, जिस तरह जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे, इंडोर मॉडल हो गया, आउटडोर मॉडल हो गया, जो लुमियोन के अपने मॉडल्स हैं, उनको हम कोई और मटेरियल साइन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक ऑप्शन नहीं आई। हाँ, जो हमने खुद इम्पोर्टेड मॉडल इम्पोर्ट किए हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम मटेरियल में क्लिक करें। तो फिर हमसे पूछेगा कि जी क्लिक कौन था इम्पोर्टेड मॉडल, कि जिस पर इम्पोर्ट किया उस पर क्लिक करें आप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, अब इस वॉल को सेम मटेरियल साइन होगा। क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद हमसे पूछता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कलर करना है। ठीक है, कलर या फिल, या आप कह लें कि ऊपर ऑप्शन बनी हुई है कि इंडोर आउटडोर। ठीक है, अगर आप इंडोर सीन चाहते हैं कि कलर करना, ग्रेडियंट लगाना, कुछ भी लगाना, तो आप इंडोर क्लिक कर लें। इंडोर में सारे ऑप्शन आ जाएगी कि इंडोर में मैक्सिमम कलर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वॉल कलर होता है, वॉल के बाद मेटल कोई है, तो इसमें इंडोर में रिफ्लेक्शन जैसी भी आएगी उसके लिहाज से काम करेगा ये। इसमें मैं अभी फिलहाल वॉल पे लगाता हूँ, फैब्रिक से हम ये कर लेते हैं, ये तो सिंपल प्लस्टर हो जाएगा। वुड वर्क कर लेते हैं, वुड वर्क किया। अब इसमें ये वुड डिज़ाइन चूज करना पड़ेगा आपको, फिर ये वुड का डिज़ाइन कौन चूज करना है। हमारे पास टोटल 5 to 6 पेजेस हैं, 6 5 पेजेस हैं, उस डिफरेंट डिज़ाइन हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट ये भी डिज़ाइन वुड का, उसके अलावा दिस वन, दिस वन, ऐसा हम ओके करते हैं। ओके, अब जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसी जो डिज़ाइन चूज कर लिया हुआ है उसके अंदर और रिफ्लेक्शन करनी है या नहीं करनी है। मतलब मैंने वुड का डिज़ाइन छोटा छोटा करना है कि बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स नजर आ रही हैं, कि इतना लड़ बहुत बड़ी है। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, लाइट हो गई। मैं स्केल ज़्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा, ये ज़्यादा छोटा हो गया। आई थिंक सो दिस इज इनफ। ठीक है, तो नॉर्मली हम उनका घर पे वो काम करवाते हैं तो ये इस तरह चीज़ें नजर आती हैं। ठीक है, एंड दिस वन, ओके। ठीक है, मैंने वोट कलर साइन कर लिया। अब इस पर मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ, अंदर ही आ गया। थोड़ा मैंने इसको कलर करना, नीचे मेटल को क्लिक किया, फिल कलर। ठीक है, अब कलर के अंदर हम किसी भी किस्म का कलर साइन कर दिया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी रियलिटी कलर पिक करने में माहिर हैं, कि आपको तो किस कलर की आपने पेंट जिस टाइम पर शो करवाना है, जो भी शो करवाना है वो शो करवा लिया। ठीक है, दिस वन, ओके, एंड मटेरियल
मटेरियल हम इसमें आउटर शो करवाते हैं कलर। आई थिंक सो हम ये यूज करते हैं इस पर। थोड़ा सा डार्क पिच शेड में आ गया और इसको हम इसमें ओके करते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो इसको थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्केलिंग थोड़ी सी और दूर दूर करते हैं दिस वन एंड थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिस वन इसको भी हम सेम कलर साइन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव पेंट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैक शेप आ गया। जो आ जाएंगे सिंपली कलर कर लेते हैं।
मैंने एक मटेरियल साइन किया, अब इसके बाद बनाओ तो वर्किंग करते हैं। एक छोटा सा जो मिस्टेक्स मेरे मॉडल में है कि मैंने वॉल की डेप्थ नहीं बनाई, सिर्फ हाइट है, यानी कि अगर मैं रियल वॉल बनाना चाहता हूँ तो उसको डेप्थ भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइज वाइज, फॉर एग्जांपल दिस वन इज इनफ, थोड़ा ज़्यादा हो गया दिस। ये पॉसिबिलिटी है अगर इसको हम सेव कर लें इसी डिज़ाइन को, ताकि हम रीयूज कर सकें, या इसी को कॉपी कर लें, कॉपी मटेरियल, एंड जब इसके ऊपर आएंगे हम तो हम दोबारा किसी के मॉडल लगा लें कोई भी, और ओके, और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके हम पेस्ट कर लें मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि सेम सिमिलैरिटी आ जाएगी दोनों में। अगर आप कोई दो या तीन वाल का सिमिलर चाह रहे हैं तो एक जिस मटेरियल लगा उस पर क्लिक करके उसका आप मटेरियल कॉपी कर लें, और अगेन जिस पर लगा जाते हैं उस, लेकिन मटेरियल लगाने के बाद पेस्ट होगा ये क्लियर कट है। हम वॉल रूफ टॉप को भी कलर कर लेते हैं, या रूफ टॉप को हम कोई आउटडोर मटेरियल साइन कर लेते हैं, आउटडोर, एंड दिस इज रूफ। ओके, फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके ओके, एंड दिस, स्केलिंग थोड़ी सी डाउन करते हैं। अगर तो आपका मॉडल ऑटोकैड पे और मेजरमेंट के मुताबिक है तो फिर आपको इस स्केल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ह्यूमन के मॉडल के मुताबिक बना रहे हैं, कि ह्यूमन के साइज हर चीज मेजर करके बना रहे हैं, तो फिर आई थिंक सो इज इनफ। इसके लिए हम फ्लोर का भी देख लेते हैं, इंडोर में भी फ्लोर पॉसिबल हो हमारे पास, दिस इज स्टोन, चलिए स्टोन लगा लेते हैं। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, हाउ इट इज। देखिए हमने क्या किया, हमने जो मॉडल इंपोर्ट किया हुआ था उसको अपने लिहाज से मटेरियल साइन कर लिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और इसको मूवी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक छोटा सा एक इन्हांसमेंट चीज़ ही है, अगर हम इसके साथ एक मॉडल बना लें कि हम मॉडल भी साथ साथ मूव करवा लें, ताकि वो भी चीज़ एक्चुअली कवर हो जाए साथ में, कि हम प्लेसमेंट में जाते हैं ऑब्जेक्ट में, हम ह्यूमन में जाते हैं, अब ह्यूमन दो तरह के हैं, एक इनके पास स्टैटिक ह्यूमन है कि जो बिल्कुल खड़े हुए हैं, उनमें मूवमेंट अगर करवाएंगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे जस्ट आप टांगे मूव किए बगैर ह्यूमन मूव कर रहा है। एक ऐसे ह्यूमन है जो जिनमें टांगे भी मूव करवाई हुई हैं, तो अगर आप इनको पिक करते हैं तो इनके साथ ह्यूमन के साथ आपकी लेग भी मूव करेंगी। ठीक है, जिससे बाकी रियलिटी में ह्यूमन चलते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किस तरह का ह्यूमन पकड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टू में आता हूँ, दिस वन, एंड मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब लुमियोन के लिहाज से ह्यूमन की हाइट इतनी है और हमारा मॉडल जो है उसका मतलब साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, चलें ओके, हम अपने ह्यूमन मॉडल का साइज रैंडमली अप कर लेते हैं हम वापस। अब देखिए, अगर मैं अभी स्केल में जाऊंगा तो क्या होगा कि मैं ह्यूमन के स्केल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने 3D मॉडल का स्केलिंग कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट चीज़ जो है कि आपके पास मटेरियल इंपोर्टेड मटेरियल क्लिक हो, देन आप स्केल पे ये ऑप्शन आ गया, ये सर्कल आ गया, इस सर्कल पे क्लिक करके इसको हम अप करते हैं, ज़्यादा हो गया। दिस इज,
छोटा ही है। अगर हम ह्यूमन के लिहाज से देखें तो इसका डोर छोटा है, तो हम थोड़ा सा और अपना कर लेते हैं ताकि डोर हमारा थोड़ा सा ह्यूमन के बराबर हो जाए। आई थिंक सो। ओके, अब वापस आते हैं ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन में क्लिक करके पीपल एनिमल और सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट टूल के जरिए हम अपने इस ह्यूमन को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। और मैं शो करवा रहा हूँ कि ये ह्यूमन दरवाज़े के अंदर एंटर होगा एनिमेशन के अंदर। हम इसका रोटेट भी कर लेते हैं। तो आई थिंक सो, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा मॉडल थोड़ा सा छोटा है, तो मैं थोड़ा सा अपने मॉडल को बड़ा कर लेता हूँ। 2.7 है, हम 3 तले जा देते हैं इसको। मैंने 4.1 कर दिया। ओके, अब हम आते हैं अपने कैमरे की तरफ। मूवीज